नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जंग के 13वें दिन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले जारी। रूस ने किया 26 इलाकों में बमबारी का दावा। खार्किव क्षेत्र की पुलिस ने सोमवार को कहा कि अकेले वहां 209 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 133 नागरिक हैं। रूसी हमले में 9 लोगों की मौत। यूक्रेन के सुमी में रूसी हमले में 2 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। बचाव कर्मियों ने घरों के मलबे के नीचे से नागरिकों के शव निकाले। गोवा में कांग्रेस को सेंधमारी का डर। नतीजों से पहले उम्मीदवारों को कोल्हापुर राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी। कांग्रेस के उम्मीदवारों को साथ रखने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री और कांग्रेसी नेता सतेज पाटिल को सौंपी गई है। कांग्रेस को डर है कि कहीं कोई अन्य पार्टी उनके नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में न मिला दे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति को किया नमन। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महिलाओं के समर्पण, उपलब्धि और कामयाबी के जश्न के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं को सुरक्षा कवच देंगे अनुराग ठाकुर। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए 108 मोटरसाइकिलों का होगा लोकार्पण। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इस खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर महिला सुरक्षा कवच का लॉन्च करेंगे। अगली खबर वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी है। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर जालसाजों श्रद्धालुओं को ठगा, पुलिस में शिकायत दर्ज। बोर्ड ने जारी किया अलर्ट। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कई श्रद्धालुओं को ठगे जाने के बाद फर्जी ऑनलाइन सेवाओं की वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए गूगल को पत्र लिखा है। यूक्रेन ने पुतिन के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को मार गिराया। क्रीमिया पर कब्जे के लिए मिला था मेडल। मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव खार्किव में भिड़ंत के दौरान मारे गए। यूक्रेन में जंग में मारे जाने वाले गेरासिमोव रूस के दूसरे जनरल हैं। कंधार हाईजैक में शामिल आतंकी की कराची में गोली मारकर हत्या। 2 अज्ञात बाइक सवारों ने मौत के घाट उतारा। इस पूरे घटना को पास से लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया। हालांकि बाइक सवार लोगों के चेहरे ढके हुए थे। यूक्रेन को चौतरफा घेरने की कोशिश में रूस एक बार फिर परमाणु संयंत्र को बनाया अपना निशाना। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रूस द्वारा यूक्रेन पर लगातार की जा रही इस तरह की कार्यवाही वैश्विक पर्यावरणीय आपदा का कारण बन सकती है। किसी परमाणु संयंत्र पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का बड़ा उल्लंघन है। अलीगढ़ में घर में अकेली महिला पर बदमाशों ने चाकू से किए 24 वार। लूट के इरादे से घर में घुसे थे हमलावर। परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह सभी किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। सुनीता घर पर अकेली थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और हमलावर घर में लूटपाट के उद्देश्य से घुसे थे। माता वैष्णो देवी के नाम पर हो रही ठगी। श्राइन बोर्ड ने गूगल को लिखा पत्र। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट जारी किया। यात्रियों से अपील है कि वे फर्जी वेबसाइट से बुकिंग ना करें। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। त्रिपुरा में सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 33% रिजर्वेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री ने त्रिपुरा की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33% पद रिजर्व रहेंगे। यूक्रेन की सेना में शामिल हुआ भारत का युवा। रूस के खिलाफ लड़ रहा है जंग। तमिलनाडु का 21 साल का युवा स्वयंसेवकों वाली जॉर्जियाई राष्ट्रीय सेना अर्धसैनिक यूनिट के लिए लड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज 29 महिलाएं की गई सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा। इसमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल है। नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्ति और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किए जाते हैं। अगली खबर बिहार से है। भागलपुर ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत के बाद अब एक्टिव हुई पुलिस। अवैध पटाखा कारोबारियों पर एक्शन। 4 ट्रॉली पटाखा बरामद। बिहार के भागलपुर में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस अब एक्टिव हो गई है। पुलिस ने यहां अवैध पटाखा कारोबारी पर छापेमारी की और 4 ट्रॉली पटाखा बरामद किया है। कहा जा रहा है कि पुलिस की रडार पर 126 पटाखा कारोबारी। सुमी से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। भारतीय की वतन वापसी भी शुरू। रूस की गोलाबारी ने रोकी थी निकासी। समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि सुमी में हवाई हमले में 2 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। सुमी वह शहर है जो भयंकर लड़ाई का गवाह बन रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लगे पंख। PM मोदी ने कहा कोरोना महामारी के बाद हम मिल रही है गति। ड्रोन, अंतरिक्ष और जियो स्पेशल क्षेत्र में लिए गए सरकार के निर्णयों को गेम चेंजर करार देते हुए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि इन क्षेत्रों में भी अब भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में जगह बनाने के लिए काम करना चाहिए। आदित्य ठाकरे और अनिल परब के करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर आज आयकर विभाग ने छापेमारी। दिल्ली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए जन सेतु, जन से सरोकार।